Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to plan MRI knee joint, okay? On 1.5 Tesla GE, model is MR355 Brevo. So let's start. ये patient का data fill कर दिया है. Exam description में डाल देना knee joint, ये right knee है. यहाँ से protocol select करते हैं, okay? मैंने यहाँ पे मेरा प्रोटोकॉल रखा हुआ है, राइट नी का प्रोटोकॉल लिया, एंटर, एक्सेप्ट, स्टार्ट. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कैसे प्लानिंग करते हैं और टेक्निक क्या है, कौन सा सीक्वेंस लेना है, कितना फिक्स सीक्वेंस है, और कोई कोई सीक्वेंस आपके जो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है उनसे आपको पूछ लेना चाहिए, तो उनको एक्स्ट्रा जरूरत है कोई सीक्वेंस का. ओके, सो सेव आरएक्स. सबसे पहले ट्री प्लेन लोकलाइजर ले लेते हैं, सेव आरएक्स, स्कैन, ऑटो पे डाल देना. ये जी का है, इसके अंदर ये अच्छा टेक्निक है कि अपने आप स्कैन चलता रहेगा ऑटो पे. पेशेंट का पोजीशन रहता है फीट फर्स्ट, कॉइल है हमारे पास नी का स्पेशल कॉइल लिया है, कॉर्ड नी. ओके, अभी देखो, अभी सपोज आपका जो भी स्टाफ है उन्होंने कभी कभी क्या है कि पोजीशन सही से नहीं दिया होता है, तो कभी कभी क्या रहता है कि आपका जो स्टाफ रहता है कभी कभी पोजीशन नहीं देता है, आपको खुद को ही पोजीशन देना पड़ता है. ठीक है, ये अभी मेरा पहला लोकलाइजर तो आ गया है. अभी आपको इसके ऊपर प्लानिंग करना हो तो भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कॉन्डाइल्स देख लेना. ठीक है, अभी सपोज आपको ये स्कैनों पर प्लान नहीं करना है तो ये सेम लोकलाइजर को एक बार कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट करना और इसको डबल क्लिक करके ओपन करके इसके ऊपर डाल के इसको आप स्ट्रेट करके एक्सेल को दूसरा लोकलाइजर ले सकते हैं. तो मैं ले लेता हूँ, वैसा ज़रूरत नहीं है, टाइम आपको सेव करना हो तो ये चीज़ पहले लोकलाइजर के ऊपर ही प्लान कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. दूसरा लेते हैं, सेव, स्कैन, ऑटो, इसको डिलीट कर दो. मेरा एक बेसिक टेक्निक है कि मैं कोई भी स्कैन करता हूँ तो उसके एमएसके जो रहता है उसके ऊपर सबसे पहले मैं एक्सेल ही लेता हूँ, एक्सेल के ऊपर बाकी जितने भी रहते हैं उसको मैं प्लान करता हूँ. तो इसका सीक्वेंस रहेगा एक्सेल फैटसेट पीडी, सैज फैटसेट पीडी, सैज पीडी, कोरोनल फैटसेट पीडी, सैज टी टू थिन फॉर एसीएल एंड पीसीएल. ओके, थिन ओनली फॉर एसीएल एंड पीसीएल, ये जरूर ले लेना क्योंकि ट्रॉमा जो रहता है उसका पूरा फाइबर्स का टायर है कि नहीं वो देखने के लिए साइज टी टू थिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइज ग्रेडियंट फॉर बोनी एनाटॉमी, कोरोनल D1 फॉर कॉन्डाइल्स. ओके, ये बाकी का मैं सब डिलीट कर देता हूँ. सबसे पहले एक्सेल फैटसेट पीडी प्लान करते हैं, दबा क्लिक किया, ओपन किया. यहाँ पे मैं हर बार आपको बताता हूँ एक्सेल चाहिए तो साइज और कोरोनल के ऊपर ही प्लान होगा, कोरोनल चाहिए तो सैज और एक्सेल के ऊपर प्लान होगा, सैज चाहिए तो कोरोनल और एक्सेल के ऊपर प्लान होगा. ओके, सो मुझे अभी एक्सेल सीक्वेंस चाहिए तो मैंने एक्सेल पे डबल क्लिक किया है, यहाँ पे मैं क्लिक करके डाल देता हूँ. ओके, एक्सेल का प्लानिंग कैसे करना है, ये जो पटेला है पटेला के ऊपर से दो तीन इमेजेस लेना और टीबिया फिबुला यहाँ पे अपना मेनिस्कस एंड होता है, ये PCL का अटैचमेंट है. ओके, यहाँ से दो तीन इमेज एक्स्ट्रा और ऊपर से दो तीन इमेज एक्स्ट्रा, टोटल वैसे 20 इमेजेस का फॉर्मेट से ले लेते हैं. ओके, और ये एक्सेल का ओरिएंटेशन देख लेना स्ट्रेट, ये इमेज ज़रूर लेना, यहाँ पे यही इमेज के ऊपर प्लान करना ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे ACL PCL दोनों दिखता है. ओके, यहाँ से ओरिएंटेशन भी आपका स्ट्रेट आएगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन AP. ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, ये देख लेना ओरिएंटेशन राइट है, ये प्लानिंग देख लो आप.
शिम डाल देना, उससे इमेज क्वालिटी अच्छा रहेगा। एसएनआर को रीसेट करते हैं, 2.23 मिनट्स का सीक्वेंस है, ठीक है। सेव आरएक्स स्कैन। सो अभी मैं क्या है कि इसके ऊपर सब प्लानिंग नहीं करता हूँ, लोकलाइजर के ऊपर। सबसे पहले मैं एक्सजेल फेडसेट पीडी को ले लूँगा, फिर मैं सहज बाकी सब कुछ वो एक्सजेल पीडी फेडसेट आने के बाद ही प्लान करने का बताऊँगा, क्योंकि वो परफेक्शन उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं डबल क्लिक करके सहज पीडी को ओपन करता हूँ। सहज चाहिए, एक्सजेल कोरोनल पे प्लान करना है, यहाँ पे डाल दो, ओके। ये पैरेलल देख लेना कॉन्डाइल्स के ऊपर से, फीमोरल कॉन्डाइल है, टीबिया फिबुला के ऊपर नहीं होगा, फीमोरल कॉन्डाइल पे ही होगा। तभी मैं सिर्फ इसको डाल के ऐसे रेडी रखता हूँ, जैसे ही एक्सजेल आएगा मैं यहाँ पे उसको एक्सजेल के विंडो में डाल के आपको मैं दूसरा प्लानिंग कैसे करते हैं सहज वगैरह मैं आपको शो कर देता हूँ। 2 मिनट है, तब तक देखते हैं। सब मैं रेडी रखता हूँ क्योंकि इससे काम अपना फास्ट होगा। स्लाइस थिकनेस को 3 mm 3.5 से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि क्वालिटी ख़राब होगा। स्पेसिंग को 1.3, 1, 0.8, जो भी जितना पेशेंट का जॉइंट का डायमीटर रहता है उसके हिसाब से स्पेसिंग फिर बाद में हम सेट कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही अपना एक्सजेल फेडसेट पीडी आ जाएगा उसके ऊपर बाकी सब कुछ प्लान हो जाएगा। आप इसके ऊपर भी कर सकते हो लोकलाइजर पे, बट इसके ऊपर क्या है परफेक्शन नहीं रहता है। ये अभी देख सकते हो एक्सजेल जनरेट हो गया है, ओके। अभी एक्सजेल के विंडो में यहाँ से सिलेक्ट सीरीज करते एक्सजेल फेडसेट को ले लिया, यहाँ पे डाल दिया, ओके। ये जो रहेगा ना, ये बहुत ही परफेक्शन से आपका प्लानिंग होगा, बिल्कुल भी स्पेसिंग वगैरह में दिक्कत नहीं होगी। ले कॉन्डाइल्स जो है लेटरल और मीडियल, ले लेटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। ये कॉन्डाइल के पैरेलल आपको लेना है, ये पैरेलल यहाँ से पैरेलल होना चाहिए, लेटरल और मीडियल, लेटरल टू मीडियल कॉन्डाइल्स पैरेलल होना ज़रूरी है। ये देखो थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ये इमेजेस को ऊपर से नीचे पूरा देख लेना कि कुछ इमेज कट नहीं हो रहा है ना, वो देख लेना, ये परफेक्ट प्लानिंग है। ये यहाँ से लेटरल कॉन्डाइल पैरेलल, मीडियल कॉन्डाइल पैरेलल, यहाँ से बीच में, यहाँ से ये जो अपना है ये ACL है और ये PCL है, उसके ऊपर से एक इमेज यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इसको पैरेलल यहाँ से कर देना तो आपका सजाइटल इमेज परफेक्ट आएगा। इसको देख लेना, ये जो विंडो है इसका FOV बहुत बड़ा मत करना, नहीं तो इमेज क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा। 15-16 FOV इज इनफ, ये देख लेना, ये स्क्वायर इतना होना चाहिए, ऊपर से इतना नीचे से इतना, फीमर से टिबिया फिबुला इतना कवर करना, बीच का इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से इसको मिडल में कर देना कि उसका बीच में फ्रीक्वेंसी आने से परफेक्शन आएगा। सो ये प्लान हो गया है, 20 इमेजेस है, 3.3 थिकनेस किया है मैंने, स्पेसिंग 1.3 पे कवर हो गया, शिम डाल दो, ओके। सब कुछ सेंटर में ही रखना। ये हमारा सजाइटल फेडसेट पीडी प्लान हो गया है परफेक्ट। सेव आरएक्स स्कैन। अभी ये मेरा फर्स्ट एक्सजेल आ गया है, उसके ऊपर मेरा सब कुछ प्लान हो जाएगा। आप देखो अभी सहज फेडसेट के ऊपर से इसको डायरेक्ट कॉपी करना है, ओनली पीडी, सहज पीडी, सहज T1 भी लेते हैं, सहज पीडी भी लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हम पीडी लेते हैं। ये सहज पीडी को डबल क्लिक किया, यहाँ से कॉपी, ये सहज फेडसेट जो प्लान किया है उसको डायरेक्ट लो, सेट बैंड की ज़रूरत नहीं है, शिम ले लेना, एक्सेप्ट किया, सेम टू सेम जो सहज फेडसेट पीडी का प्लान है वो पीडी सहज पे आ गया है, ओके। बहुत ही इजी मेथड है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सेव आरएक्स, ऑटो पे डाल देना, ऑटो स्कैन। अभी कोरोनल कैसे प्लान करेगा, कोरोनल पे डबल क्लिक करो, ओपन करो, यहाँ पे डाल दो। कोरोनल चाहिए तो सहज और एक्सजेल पे प्लानिंग होगा। यहाँ पे मैंने एक्सजेल फेडसेट तो डाल के रखा ही है, ठीक है।
अभी इसको कैसा प्लान करना है कि सबसे पहले ये कोरोनल विंडो को एग्जैक्टली सेंटर कर देना, फिर यहाँ से जो पटेला अपना स्टार्ट होता है, पटेला के एक कट ऊपर से जाने देना इमेज, फिर ये जो अपना कॉन्डाइल है, ये हमारा कॉन्डाइल है ना, उसको परपेंडिकुलर आपको लेना है। ये कॉन्डाइल के परपेंडिकुलर से कट जाएगा तो ही आपका मीनस्कस सही से दिखेगा। इसको मैं स्पेसिंग करता हूँ 1, तो ये क्या है, सही से कवर होगा। ये अपना मीनस्कस यहाँ से रहता है, मीडियल और लेटरल मीनस्कस कोरोनल के अंदर मेनली मीनस्कस के लिए ही रहता है, और कॉन्डाइल्स जो रहती है जॉइंट्स की, वो स्पेसिंग के लिए भी वो होता है कोरोनल। ठीक है, इसको भी ऊपर से नीचे पूरा आप देख लेना एक बार का, कुछ कट नहीं रहा है ना, ये पूरा कवर हो गया है। ठीक है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर इसको लिया है दोनों कॉन्डाइल्स, ये भी हो गया। शिम डाल दो, सेव आरएक्स। अभी सेम ये जो कोरोनल फैटसेट पीडी है, कोरोनल T1 को डायरेक्ट डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ से कॉपी आरएक्स, सेम कोरोनल पीडी को ले लिया, सिम को ले लिया, जो भी यहाँ से चाहिए वो ले लो, एक्सेप्ट कर दो, सेम टू सेम प्लान हो गया। मैं इसका टाइम कम कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि स्कैन टाइमिंग बहुत बढ़ जाता है इसके लिए। सेव आरएक्स, कोरोनल T1 भी प्लान हो गए। अभी सैज ग्रेडियंट पे डबल क्लिक किया, ओपन किया, कॉपी आरएक्स। अपने पास सैज पीडी भी है फैटसेट और सैज ओनली पीडी भी है, दोनों में से किसी को भी लेके यहाँ से शिम लिया, एक्सेप्ट किया, सेम ग्रेडियंट प्लान हो गया। सैज के ऊपर सैज कॉपी हो जाएगा, एक्जल के ऊपर एक्जल कॉपी हो जाएगा, कोरोनल के ऊपर कोरोनल कॉपी होता रहेगा, उससे अपना काम फास्ट होगा। ऑटो पे रख देना, स्कैन देखो आप चालू ही है, और मैं सब कुछ प्लान करके रेडी कर रहा हूँ। अभी सैज T2 ACL के लिए कैसे प्लान करते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, इसके लिए मुझे कोरोनल PD चाहिए और एक्जल। अभी सैज फैटसेट PD रन हो रहा है, इसके बाद मैं कोरोनल PD फैटसेट ले लूँगा, फिर मैं प्लानिंग कैसे करता है आपको शो करता हूँ। थोड़ा उसको ऑब्लिक करना है, एक्जल सैज T2 थिन के ऊपर क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ पे रख दो, एक्जल पे प्लानिंग होगा, इसको ऑब्लिक प्लानिंग करना है। देखो ये जो ACL है एक्जल में, देखो ACL है, ACL के पैरेलल इसको टिल्ट देना है। ये देखो ऐसे टिल्ट होना चाहिए, ये देखो इसके ऊपर से मेरा दो इमेजेस कट जा रहा है, ये ही ओरिएंटेशन में इसको ले लो, ये पूरा ये जो है इसको इतना कवर कर लेना, बहुत पूरा अपना कोई काम नहीं है, सिर्फ ACL PCL के लिए ही मैंने लिया है थिन, क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री रहती है, तो क्या है कि उसमें कभी कभी ACL टायर रहता है, तो उसको फाइबर्स चेक करने के लिए कंप्लीट टायर है कि ओनली कंट्यूजन है क्या है, इसके लिए मेनली सैज T2 थिन इमेजेस लेते हैं। इसका थिकनेस है 2 mm, स्पेसिंग ऑलवेज 0 ही रखना, तो ही थिन इमेजेस आएगा। अभी कोरोनल यहाँ पे आएगा, फिर मैं यहाँ से इसको थोड़ा इसको भी पैरेलल कर दूंगा। कोरोनल आने के बाद मैं आपको यहाँ पे कोरोनल इमेज डाल के आपको शो करता हूँ। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो कि कोरोनल फैटसेट PD जनरेट हो गया है। ओके, इसको मैं भी यहाँ पे कोरोनल के विंडो में डाल देता हूँ कोरोनल इमेज को। अभी यहाँ पे आप देखिए कि ACL यहाँ पे टायर है। ओके, तो इसको यहाँ कोरोनल पे इसको ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा, ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, एक्सल में ऐसा ऑब्लिक टिल्ट और इसमें माइनस ऑब्लिक टिल्ट। ओके, ये ओनली ACL, PCL तो इसका नॉर्मल है, PCL में कुछ लग नहीं रहा है। देखो आप सैज फैटसेट PD में PCL बराबर है। ओके, मेनली ACL के लिए यह प्लानिंग है थिन T2, देख लेना यह सही से आप देख लेना। एक्सेल में ACL का टिल्ट मैंने ऐसे
परपेंडिकुलर किया है और इसको थोड़ा माइनस टिल्ट दिया है। ओके, इसमें दोनों ACL PCL कवर होगा, शीम डाल दो। सो हमारा थीम T2 प्लान रेडी। ये आपको कोरोनल का भी समझ आ गया होगा, वैसे तो पैरेलल मैंने कॉन्डल्स के पैरेलल आपको बताया था। ये सब कुछ प्लान हो गया है, अभी ये आप देखो PD आ गई है। इसको मुझे लग रहा है कि मिनस्कल टायर है, इसको ग्रेड 2-3 मिनस्कल टायर लग रहा है, मीडियल मिनस्कस में, लेटरल में भी है। ये हमारा पेशेंट है यहाँ पे, ये हमारा गैंट्री। सो अभी SH-T2 कैसे दिखता है वो अभी जनरेट होने के बाद मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स अभी हमारा ये SH-T2 जो ठीन लिया था वो जनरेट हो गया है। ओके, तो ये अभी आप देखो यहाँ पे ये जो ऑब्लिक किया था मैंने, इससे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ACL पूरा परफेक्ट दिख रहा है। ये है फीमोरल अटैचमेंट और टीबियल अटैचमेंट, दोनों अटैचमेंट परफेक्ट है, मतलब ओनली उसको कंट्यूजन है ACL में। और ये PCL देखो, इसमें भी परफेक्ट है फीमोरल अटैचमेंट और टीबियल अटैचमेंट। ठीक है, ये अपना ग्रेडियन भी आ गया है कोरोनल T1। सो स्टार्टिंग से देख लेते हैं पूरा, ये एक्सियल फैट सेट PD, सैज फैट सेट PD, कोरोनल फैट सेट PD, सैज ओनली PD, फिर ये थिन T2 ACL PCL के लिए सैज ग्रेडियंट कोरोनल T1। ये आप अभी देख लीजिए ध्यान से, ये जो प्रोटोकॉल है ये बेसिक और रूटीन प्रोटोकॉल है, इतना तो लेना ही है आपको। दूसरा कुछ भी इसमें इंक्लूड करना हो तो आप अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो, फिर वो जैसा आपको एडवाइस करे दूसरा एक्स्ट्रा सीक्वेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।